अगर आपको लगता है कि गुरुकुल हब से जुड़कर आप अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको फिर से उसी टाइप की वीडियो लेकर आया हूँ जैसी आपको लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी, जहाँ पर 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन साथ साथ बताए थे। तो आज की इस वीडियो में भी मैं आपको इन 10 क्वेश्चन के साथ साथ हर क्वेश्चन से रिलेटेड 3, 4 या 5 क्वेश्चन जो भी संभावित हैं, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हैं, वो आपको बताकर चलूंगा। तो उस वीडियो में आप सभी का सपोर्ट मिला और आपने कहा कि इस तरह की और भी वीडियो लाएं, तो इसलिए मैं बीच बीच में आपको इस तरह की वीडियो बनाता रहूंगा। और उसी वीडियो का एक हिस्सा यानी कि आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए कुछ क्वेश्चंस बताकर चल रहा हूं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है दक्षेस यानी कि सार्क SARC सार्क का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था, वेयर वॉज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ सार्क साउथ एशियन, इसकी फुल फॉर्म भी है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सार्क की फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, तो एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। बाकी जो प्रथम सम्मेलन की बात की जा रही है, तो प्रथम सम्मेलन के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, काठमांडू, ढाका, नई दिल्ली, कोलंबो। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ढाका में ही सार्क का प्रथम सम्मेलन हुआ था। और अगर इसकी फाउंडेड की बात की जाए कि इसकी नींव कब पड़ी, इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को ही दक्षेस यानी कि सार्क की स्थापना हुई थी ढाका में ही, प्रथम सम्मेलन भी ढाका में हुआ। दक्षेस का जो मुख्यालय है काठमांडू शहर, जो कि नेपाल की राजधानी है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। बात करी जाए सदस्य देशों की, तो जो सार्क के सदस्य देश हैं वो हैं अफगानिस्तान है, भूटान है, फिर हो जाता है बांग्लादेश है, इंडिया है, नेपाल है, मालदीव है, पाकिस्तान है और फिर श्रीलंका है। ठीक है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है और नेपाल, तो ये 8 सदस्य देश हो जाते हैं। और इसीलिए इसको ग्रुप 8 भी कहा जाता है। G8 सदस्य देश कौन कौन से, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने देखा भी होगा, तो वहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा देश G8 का सदस्य देश नहीं है, यह सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो 3 ऐसे देश देंगे जो हैं और 1 ऐसा ऑप्शन आपके सामने रख देंगे जो सदस्य देश नहीं है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा कि प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ, सार्क की फुल फॉर्म क्या है, सार्क की स्थापना कब हुई, कहाँ पर हुई, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है और सार्क के सदस्य देश कौन से हैं, और सार्क को दक्षेस भी कहा जाता है और ग्रुप 8 भी कहा जाता है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, द टर्म ब्राउन एयर इज यूज्ड फॉर अम्लीय धुआं, प्रकाश रासायनिक धुआं, सल्फर धुआं या फिर औद्योगिक धुआं। तो ब्राउन एयर जो शब्द यूज किया गया है वो किया गया है प्रकाश रासायनिक धुआं, जिसको बोलते हैं हम फोटो केमिकल स्मॉग, फोटो केमिकल स्मॉग यानी कि प्रकाश रासायनिक धुआं, ब्राउन एयर शब्द इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है, तो किस प्रकार की विधायिका को सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है, तो ऑप्शन है हमारे पास राष्ट्रपति सरकार, संघीय सरकार, अधिकारवादी सरकार या फिर संसदीय सरकार। तो उसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा संसदीय सरकार, संसद के मत से जो सरकार तैयार होती है संसदीय सरकार। क्लियर है, कार्यपालिका की बात की जाए तो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, मेन होता है, वो होता है प्रेसिडेंट, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है या कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है हमारा भारत का राष्ट्रपति। फोर्थ क्वेश्चन है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे, इन 1939 सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी डिफीटिंग,
पट्टा भी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और बीवी पटेल यानी कि वल्लभ भाई पटेल। तो सही आंसर है वो है पट्टा भी सीतारामैया। तो इनको हराया था, पट्टा भी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस जी ने हराया था और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे 1939 में। लेकिन महात्मा गांधी कतई नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए, वो पट्टा भी सीतारामैया के सपोर्ट में थे। तो कुछ ही समय बाद इन्होंने उससे त्यागपत्र दे दिया था और उसके बाद इन्होंने 1939 में ही 22 जून 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने एक नई पार्टी का गठन किया। ठीक है, इससे अलग होने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होने के बाद एक नई पार्टी का गठन किया और पार्टी का नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने का जो श्रेय जाता है 1939 में वो सुभाष चंद्र बोस को ही जाता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद जैसे पॉपुलर नारे सुभाष चंद्र बोस की ही देन है, उन्होंने ही ये नारे भारतीय जनता को दिए। देखिए, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको इन वीडियोस के जरिए करा रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, 2015 के सीजीएल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो वही सब क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, दौलत खान लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या फिर इब्राहिम लोधी। तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वो था बहलोल लोधी और बहलोल लोधी का ही ग्रैंडसन यानी कि उसका पोता था इब्राहिम लोधी। बहुत पॉपुलर है इब्राहिम लोधी का नाम, ना कि जीतने के लिए बल्कि हारने के लिए। लोधी वंश के बाद जो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी ने बाबर को ललकारा था भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो वो नहीं जानता था कि बाबर कितना शक्तिशाली है, तो उसकी एक भूल थी और उसने ललकारा था बाबर को और उसके बीच लड़ा गया, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें इब्राहिम लोधी को हार सहनी पड़ी थी और बाबर विजेता घोषित हुआ और तभी से उसी दिन से मुगल साम्राज्य की पूरी तरह से मुगल साम्राज्य की भारत में नींव पड़ी। तो बाबर का जीतना, मुगल साम्राज्य की नींव पड़ना पानीपत का प्रथम युद्ध ही जिम्मेवार है, जिसमें इब्राहिम लोधी को हार सहनी पड़ी थी और वहीं से लोधी वंश का अंत भी हुआ था। सिक्स क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहां मिलता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस डीएनए इज फाउंडेड इन, ऑप्शन है गोल्जीकाय, माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतर्द्रव्य जालिक। माइट्रोकॉन्ड्रिया को हिंदी में बोला जाता है सूत्र कणिका, लेकिन ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, अगर क्वेश्चन आता भी है तो माइट्रोकॉन्ड्रिया के नाम से ही आ जाता है। ठीक, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक, और माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है संतानों की, जो बच्चे होते हैं, जो नया न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, ठीक है, और संतानों की कोशिकाओं में पाया जाता है माइट्रोकॉन्ड्रिया, और माइट्रोकॉन्ड्रिया जो मिलता है वो उनको उनकी माता के द्वारा डीएनए के द्वारा ही प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन जो हमारा था कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है माइट्रोकॉन्ड्रिया में यानी कि सूत्र कणिका में। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला व्यंजक अभिकर्मक क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट इज सोडियम क्लोराइड, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर क्लोरीन। तो राइट आंसर है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन को ही व्यंजक यानी कि ब्लीचिंग के रूप में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, पानी को साफ करने के लिए, पानी को पीने लायक बनाने के लिए भी क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप जानते होंगे कि क्लोरीन के द्वारा ही पानी को पीने लायक बनाया जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है। एट क्वेश्चन है कि मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहते हैं, रीअरेंजिंग एंड एलोकेटिंग स्पेस इन मेमोरी टू प्रोवाइड फॉर मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क इज कॉल्ड नेटवर्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग या फिर मेमोरी मैनेजमेंट। तो इसको जो कहा जाता है उसको कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट को ही मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के जो पुनर्विन्यास है उसको मल्टीपल कंप्यूटिंग में
मेमोरी को प्रोवाइड कराने के लिए यूज़ किया जाता है, उसके स्पेस को मैनेज करने के लिए, तो उसको कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। नाइन्थ क्वेश्चन है कि बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल यूज फॉर मेकिंग गन पाउडर, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम स्टेरेट, कैल्शियम सल्फेट। जो राइट आंसर है वो है इसका पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको हम बोलते हैं केमिकल नेम है इसका KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। और इसके मोलर मास की बात की जाए तो मोलर मास होता है 101.1032 ग्राम पर मोल, इसका मोलर मास होता है। तो बारूद बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इसमें जो होता है आयोनिक साल्ट ऑफ पोटेशियम आयन्स, मतलब के पॉजिटिव होता है और NO3 आयन्स, जो नाइट्रेट आयन्स होते हैं NO3 निगेटिव, तो और ये एल्कली मेटल नाइट्रेट का निर्माण करते हैं, एल्कली मेटल नाइट्रेट का निर्माण करते हैं और उसी को हम पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक में वन क्षेत्र का उच्चतम अनुपात है। इंडियन स्टेट हैविंग मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, ऑप्शन है मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम या फिर सिक्किम। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया, अगर परसेंटेज की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है वो है मध्य प्रदेश राज्य में, MP में। अगर ओवरऑल की बात की जाए परसेंटेज की बात की जाए तो 11.24% यहाँ पर फॉरेस्ट मिलते हैं पूरे इंडिया के हिसाब से, अगर देखा जाए पूरे इंडिया का 11.24% फॉरेस्ट केवल MP में मिलते हैं। और लैंड एरिया की बात की जाए, अगर उसके एरिया की बात करी जाए तो वो है 690899 किलोमीटर, है ना, 690899 किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन मध्य प्रदेश, मतलब इतना क्षेत्रफल जो है 690899, ये केवल कहाँ पर मिलता है, मध्य प्रदेश में। तो फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया आपको मध्य प्रदेश में मिलता है। तो गाइज ये थे आज के 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन से लिंक्ड कुछ और अदर क्वेश्चन। तो मानते हैं कि 40 के आसपास क्वेश्चन हम 40 प्लस के आसपास क्वेश्चन यहाँ से कवर कर गए हैं इस छोटी सी वीडियो के जरिए। और 10 के 10 क्वेश्चन प्रीवियस SSC CGL 2015 के एग्जाम में पूछे गए थे और उनसे रिलेटेड ट्रेंडिंग क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको कवर करा दिए हैं। तो अगर उनसे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो वो भी अब आपकी पकड़ में रहेगा। तो उम्मीद यही है कि आपको ये वीडियो ज़्यादा इफेक्टिव साबित होंगी, ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की लिए, चाहे SSC CHSL हो, CGL हो, रेलवे एग्ज़ाम हो, UP का कोई एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल कोई भी अदर एग्ज़ाम, ARO या फिर RO एग्ज़ाम हो, तो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके चलें और आपको लगता है कि इस तरह की वीडियो और भी आने वाले टाइम में हम बनाएं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो हमें लगेगा आपको वीडियो पसंद आ रही है और हम इस तरह की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे द्वारा भेजे जाने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।